हेलो दोस्तों, जय महाकाल, राम राम, राधे राधे। शून्य टू इन्फिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें। ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आगे आने वाले जो राजस्थान के जितने एग्ज़ाम हैं, पटवारी, वनपाल, वनरक्षक, हाईकोर्ट, जितने भी जिसमें राजस्थान की जीके आएगी, उनमें दोस्तों आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज का जो टॉपिक है अपना राजस्थान का एकीकरण। तो उस एकीकरण में जितने कौन कौन से ज़िले हैं, उन सभी के बारे में, यानी प्रथम चरण में कौन कौन से ज़िले शामिल हुए, कौन कौन उसमें थे शोधन करने वाले, शोध करने वाले, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था दोस्तों। ये एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका श्रेय जाता है। इसका जो चरण 7 चरणों में पूरा हुआ, ये 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ था दोस्तों। 18 मार्च 1948 से, याद रखना दोस्तों, 18 मार्च कई बार पूछा है, 18 मार्च 1948 से ये स्टार्ट हुआ था। और ख़त्म कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को ये पूर्ण हो चुका था। इसमें दोस्तों कितना समय लगा? इसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय इसमें लगा था दोस्तों। और 19 रियासतें थी दोस्तों, और 3 ठिकाने थे, और एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? वो था अजमेर मेरवाड़ा। और 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकानों में कौन सा था? नीमराणा था, कुशलगढ़ था और लावा था। इनकी ट्रिक है दोस्तों, ठिकानों की ट्रिक है नीलाकुश। नीला से नी से याद हो जाएगा दोस्तों, जो ये नीमराणा है वो नीला, कुश से हो जाएगा दोस्तों कुशलगढ़, और ला से हो जाएगा दोस्तों लावा। याद रखना दोस्तों, नीलाकुश। अब प्रथम चरण की बातें करते हैं दोस्तों, जो कि प्रथम चरण में कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट थी, राजधानी कौन सी थी, इनमें जो पीएम थे वो कौन थे, उन सभी को हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखो, प्रथम चरण में क्या क्या हुआ था उसके बारे में। तो प्रथम चरण में दोस्तों इसकी ट्रिक है, प्रथम लव भर कर निकर गोड, सोधा कौन है या सोधो कौन है? तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या हो गई? प्रथम लव भर कर निकर गोड सोधा कौन है? तो प्रथम से प्रथम चरण हो जाएगा दोस्तों, लव से हो जाएगा दोस्तों अलवर, लव से अलवर, क्योंकि इसके बाद में क्या है? लव है बीच में, और किसी ज़िले में भी नहीं है, तो लव में हो जाएगा अलवर। ये पहले दोस्तों राजधानी थी प्रथम चरण की। भर से हो जाएगा दोस्तों भरतपुर हो गया, भर से भरतपुर हो जाएगा दोस्तों। और कर से हो जाएगा दोस्तों करौली। नी से हो जाएगा दोस्तों नीमराणा, नीमराणा जो ठिकाना है उसमें एक ठिकाना शामिल हुआ था। और कर से दोस्तों करौली, याद रख लेना। गोड से दोस्तों एन वी गोडगिल, याद रखना दोस्तों, जो उद्घाटन करता थे इसके, तो एन वी गोड से याद रखना एन वी गोडगिल जो उद्घाटन करता थे। सो से हो जाएगा दोस्तों शोभा राम कुमावत, ये यहाँ के पीएम थे प्रथम चरण के। धो से धौलपुर भी इसमें शामिल हुआ था, तो धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली और एक ठिकाना नीमराणा ठिकाना, ये प्रथम चरण में शामिल हुआ था दोस्तों, याद रखना। तो ये हो जाएंगे दोस्तों, ये जो प्रथम चरण में पड़ती है जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो हम एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ चुके हैं। दूसरे चरण की बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरे चरण में याद करने की ट्रिक है गोड प्रताप दूसरी बार कोटा की खुशी बुझागो। गोड दूसरी बार कोटा की खुशी बुझागो या खुश बुझागो। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग ट्रिक है और इजी भी है, याद हो जाएगी दोस्तों। गोड से याद रखना गोडगिल, एन वी गोडगिल, ये तो इसके उद्घाटन करता थे दोस्तों। उद्घाटन करता कौन थे इसके? गोड, एन वी गोडगिल। प्रताप से कौन कौन से जिले इसमें शामिल हुए थे? वो प्रताप से प्रतापगढ़, बार से हो जाएगा दोस्तों बांसवाड़ा, डूंगरपुर एक साथ आ जाएगा, बांसवाड़ा के साथ नज़दीकी पड़ता है पास में ही, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर से याद रख लेना कि बांसवाड़ा है तो डूंगरपुर भी है। कोटा से याद रखना दोस्तों, कोटा ये यहाँ की राजधानी थी, दूसरे चरण की राजधानी कहाँ थी? कोटा। किसकी से हो जाएगा दोस्तों? किशनगढ़।
और कुश से हो जाएगा दोस्तों कुशलगढ़। तो इसमें ये भी ठिकाना शामिल हुआ था, एक ठिकाना इसमें शामिल हुआ था, तो कुश से हो जाएगा दोस्तों कुशलगढ़। सात से दोस्तों याद रखना, कुछ सह से याद रखना दोस्तों शाहपुरा, सह से याद रखना शाहपुरा। और फिर नेक्स्ट है दोस्तों बुझा, बुझा गो, तो बू से हो जाएगा दोस्तों बूंदी, बू से क्या हो जाएगा दोस्तों बूंदी हो जाएगा। और जहाँ से हो जाएगा झालवाड़ा, गो से हो जाएगा दोस्तों गोकुल लाल ओसावा, ये कौन थे यहाँ के PM थे। तो ये दोस्तों याद करने की ट्रिक है, इसको 10 से 12 बार याद कर लेना, जिससे आपको ये कंटेस्ट याद हो जाएगी। और इसमें टेस्ट देकर देख लेना कि आपको याद है या नहीं, आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों पहले वाले वीडियो भी ज़रूर देख लेना, उस समय में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद दोस्तों आप सभी लोगों का।